नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सांगा SEO वर्ल्ड पर। और SEO की इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ SEO। तो SEO के कौन कौन सी वो टेक्निक्स है जो हम यूज करके अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं सर्च इंजन पर। तो अगर अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी कि गूगल सर्च इंजन कैसे वर्क करता है, टू मेक श्योर कि आप मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखें, देन ये वीडियो देखने का आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी, देन ये वीडियो देखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आप मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखें कि सर्च इंजन कैसे वर्क करता है और कौन कौन से उसके लूप सॉल्व होते हैं, कैसे हम अपनी वीडियो सॉरी अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं, क्योंकि वो आज मैं सारा आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसईओ मेथड क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज। तो फ्रेंड, बेसिकली तीन तरह का एसईओ मेथड हम यूज़ करते हैं किसी वेबसाइट को सर्च इंजन पर रैंक करवाने के लिए। तो उसमें सबसे पहले आता है वाइट हैट एसईओ, तो देन उसके बाद आता है ब्लैक हैट एसईओ, उसके बाद आता है ग्रे हैट एसईओ। तो बहुत सारी जो कंपनी है वो वाइट हैट एसईओ यूज़ करती हैं, तो काफ़ी जो लोग हैं एसईओ में वो ब्लैक हैट भी यूज़ करते हैं। तो मैं आपको इसमें डिफरेंस बताऊंगा आज कि कौन कौन सा डिफरेंस होता है वाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट में, और कौन सी सबसे बढ़िया टेक्निक है जो आप अपनी यूज़ करके अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैं एक और बात बता देता हूँ कि बहुत सारी इंटरव्यूज़ में ये पूछा जाता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसईओ मेथड कौन कौन से हैं। तो ये आप जरूर याद कर लेना कि तीन तरह का एसईओ होता है, वाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट, क्योंकि बहुत सारी इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं वाइट हैट एसईओ। सबसे पहले आता है वाइट हैट एसईओ टेक्निक्स। तो इसमें क्या होता है, ये काफ़ी लेजिटिमेट प्रैक्टिस है, इसे जो एसईओ यूज़ करते हैं गूगल की हाई रैंकिंग के लिए। इसमें क्या होता है कि जो एसईओ एक्सपर्ट हैं वो गूगल की गाइडलाइन के हिसाब से अपनी वेबसाइट का एसईओ करते हैं। अगर वो कुछ भी गलत करते हैं, लाइक गूगल के अगेंस्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि गूगल का रिस्क रहता है कि हमारी वेबसाइट को कोई पेनल्टी ना पड़ जाए। बट अगर वाइट हैट एसईओ आप कर रहे हो तो इसमें रिस्क चांसेस बहुत कम होते हैं। तो वाइट हैट एसईओ में जो सबसे वीक पॉइंट है कि वाइट हैट एसईओ में क्या होता है कि जो हमको रिजल्ट मिलते हैं वो काफ़ी टाइम लग जाता है वाइट हैट एसईओ में। बट जो इसका सबसे एडवांटेज पॉइंट है कि इसमें रिस्क लेवल बहुत कम है, क्योंकि हमें हमारी वेबसाइट पर पेनल्टी पड़ने का डर बहुत कम रहता है, क्योंकि ये सारा एक्चुअल में नेचुरल एसईओ होता है। तो इसमें क्या क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगा वाइट हैट एसईओ में क्या होता है। वाइट हैट एसईओ में ये सारी टेक्निक्स अपनाई जाती हैं ताकि किसी वेबसाइट की रैंकिंग मिल सके। तो उसमें क्या होता है कि रेलिवेंसी कंटेंट लिखा जाता है किसी वेबसाइट के, अगर किसी का कोई क्वेरी है उसको फुलफिल किया जाता है। लाइक अगर पीपल कुछ ढूंढ रहा है, अगर उसको नहीं मिल रहा है, इसमें क्या है बहुत सारा कंटेंट लिखा जाता है, तो पीपल और सर्च इंजन की जो क्वेरीज है उसको फुलफिल किया जाता है। तो बेसिकली ये काम होता है, इसको हम कंटेंट मार्केटिंग भी बोलते हैं। उसके बाद जो कंटेंट है उसको सोशल मीडिया पर प्रमोट किया जाता है ताकि जो वो वेबसाइट है वो लिंक अर्न कर सके। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो बैक लिंक है उसका बहुत बड़ा रोल होता है किसी वेबसाइट की रैंकिंग पर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर अपना कंटेंट जो है वो शेयर करते हैं। उससे क्या होता है कि उनको नेचुरल लिंक्स मिलते हैं, अलग अलग साइट से लिंक्स मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम कोई भी लिंक है वो लेते नहीं हैं अपने अटेंशन के लिए, या मैं बोल सकता हूँ पेड लिंक नहीं लेते। इसमें जो भी होता है सारा नेचुरल वे से होता है। उसके बाद होता है डाटा एग्रीगेशन। तो इसमें क्या होता है कि आप सिटेशंस लेते बनवाते हो अपने बिजनेस के लिए, अगर लोकल कोई बिजनेस है। तो ये सारा होता है वाइट हैट एसईओ में। बट इसमें मैं फिर भी बोलूँगा कि इसमें जो रिस्क लेवल है बहुत कम होता है, आपकी वेबसाइट को पेनल्टी पड़ने का कोई चांसेस नहीं होते। वाइट हैट के बाद आता है ब्लैक हैट एसईओ। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ब्लैक हैट एसईओ। तो इसमें क्या होता है, जो एसईओ है वो वीकनेस और लूप होल ढूंढते हैं गूगल्स के एल्गोरिथम के, और वो लूप होल के ढूंढकर वो अपनी वेबसाइट को रैंक करवाते हैं सर्च इंजन पर। तो जो इसकी सबसे मेन एडवांटेज है, ये एडवांटेज ये है कि आपको बहुत क्विकली रिजल्ट मिल जाता है ब्लैक हैट एसईओ में। तो जो सबसे डिसएडवांटेज है, अगर आप पकड़े गए हैं गूगल की गाइडलाइन के हिसाब से अगर नहीं कर रहे, तो वहाँ पर आपको पेनल्टी भी पड़ जाएगी। अगर आपको लेट्स की आपकी अगर वेबसाइट है कोई $5,000 बना रही है पर मंथ का, और आप ब्लैक हैट एसईओ कर रहे हो,
तो अगर आपको पेनल्टी पड़ गई, वो अगर एक महीने का $5,000 बना रही है तो अगले महीने वो जीरो हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप भी एसईओ करने तो आप भी वाइट हैट एसईओ करिए अपनी वेबसाइट का। तो इसमें रिजल्ट तो देर बाद मिलता है, बट आप रिस्क लेवल बहुत कम होता है। तो ब्लैक हैट एसईओ में बेसिकली क्या होता है, तो ब्लैक हैट एसईओ में क्या क्या करते हैं एसईओ, मेनली वो कीवर्ड स्टफिंग करते हैं। कीवर्ड स्टफिंग लाइक अपना जो मेन कीवर्ड है जो उनको रैंक करवाना है वो यहाँ पर स्टफ करते हैं, लाइक H1, H2, हेडिंग, टाइटल, कंटेंट में। तो गूगल को रिप्रेजेंट करते हैं हमारी ये वेबसाइट, हम इसके लिए अपने आप को रैंक करवाना चाहते हैं। तो बेसिकली वो अपने कंटेंट में कीवर्ड स्टफिंग करते हैं उसमें, देन वो यूज़ करते हैं प्लैरिज्म कंटेंट भी कई बार यूज़ कर लेते हैं, और बैकलिंक और सिटेशंस वो परचेज करते हैं। तो उसके देन वो क्या करते हैं, डोरवे पेजेस होते हैं, लाइक सिमिलर पेज बनाते हैं, तो बट वो कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। पेज तो सिमिलर होते हैं पर कंटेंट थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है। उसके बाद क्लोकिंग आता है, थिन कंटेंट यूज करते हैं और PBN यूज करते हैं। तो PBN के बारे में आपको बताऊंगा, वो प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क होता है, मैं भी काफ़ी यूज़ करता हूँ PBNs। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं काफ़ी ब्लैक हैट यूज़ करता हूँ अपने वेबसाइट के लिए, तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 5 साल हो गए हैं, बट मुझे अभी तक कोई वैसे दिक्कत नहीं है ब्लैक हैट एसईओ से। तो अगर आप भी करना चाहते हो, मैं आपको इस सीरीज़ में पूरा बताऊंगा कि ब्लैक हैट एसईओ कैसे करते हैं और कैसे हम फास्ट रिजल्ट ले सकते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें होती हैं ब्लैक हैट एसईओ में, और ये मैं आपको इस सीरीज़ में जरूर दिखाऊंगा कि कैसे हम ब्लैक हैट एसईओ कर सकते हैं। व्हाइट हैट और ब्लैक हैट के बाद आ जाता है ग्रे हैट एसईओ। तो जैसे कि मैं बता दूं कि ये ब्लैक ग्रे हैट एसईओ, ब्लैक हैट और व्हाइट हैट एसईओ का कम्बिनेशन होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट है तो उसको रिजल्ट, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर व्हाइट हैट एसईओ करते हो तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है रिजल्ट्स का। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप व्हाइट हैट एसईओ कर रहे हो तो उसमें रिजल्ट लेट आएगा, देन क्लाइंट वो आपके पीछे पड़ेगा कि मुझे रिजल्ट नहीं मिलते। तो इसलिए एसईओ क्या करते हैं, कई बार वो ब्लैक हैट एसईओ यूज़ कर लेते हैं कि थोड़ा रिजल्ट उनको जल्दी मिल जाए। तो इसलिए व्हाइट हैट और ब्लैक हैट एसईओ का जो कम्बिनेशन है उसको बोलते हैं ग्रे हैट एसईओ। तो इसमें क्या क्या होता है वो आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड, ग्रे हैट एसईओ में क्या क्या होता है, सबसे पहला था लिंक बेट। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि यूज़र को अट्रैक्टिव किया जाता है किसी स्पेसिफिक लिंक पर क्लिक करने के लिए, बट यूज़र की जो क्वेरीज है वो फुलफिल नहीं होती 100%। तो उसके बाद जो एसईओज हैं वो स्पन कंटेंट यूज़ करते हैं, लाइक अगर कोई कंटेंट है उसको रीराइट करके उससे भी यूज़ करते हैं, देन वो लिंक एक्सचेंज करते हैं। अगर मेरी वेबसाइट से कोई लिंक मैं दूसरी वेबसाइट को दे रहा हूँ, दूसरी वेबसाइट में अपनी वेबसाइट से लिंक ले रहा हूँ, तो वो लिंक एक्सचेंज करते हैं। देन वो पे करते हैं रिव्यूज़ के लिए, अगर आपकी लोकल वेबसाइट है देन आप पे करेंगे रिव्यूज़ के लिए, तो पे करेंगे लिंक्स के लिए। इसमें सारा कुछ आता है, लाइक कॉम्बिनेशन है वाइट हैट और ब्लैक हैट का। तो मैं फिर बोलूँगा, अगर आप एसईओ में जाना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वाइट हैट एसईओ जरूर करें। तो क्योंकि इसमें रिजल्ट तो थोड़ा टाइम लग जाता है, बट आपको टेंशन नहीं रहती कि आपकी वेबसाइट को कोई पेनल्टी पड़ेगी। अगर आपकी वेबसाइट को कोई पेनल्टी पड़ गई तो हो सकता है कि वो बाद में रिकवर ना हो, क्योंकि जो गूगल पेनल्टी डालता है ऑन पेज और ऑफ पेज पर, पेंगुइन और पांडा, जो मैं आपको आगे चल कर बताऊँगा, तो अगर वो एक बार पड़ जाती है तो वो काफ़ी टाइम लगता है उसको रिकवर करने में। तो मेक श्योर कि आप व्हाइट हैट एसईओ में ज़रूर जाएं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही, और एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको पता ही कि कोरोना वायरस का जो संकट है पूरी दुनिया में चल रहा है, तो मैं आपके गुजारिश करता हूँ कि आप अपने घर में रहो और सेफ रहो, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं उनको जरूर फॉलो करें, क्योंकि इसमें अभी तक कोई इलाज नहीं है। अगर आप कोई बाहर जाते हो तो मेक श्योर कि आप ग्लव्स पहनो और मास्क जरूर पहनो, और घर पर भी टाइम टू टाइम अपने जो हैंड वॉश है वो जरूर करें। तो परमात्मा आप सभी को लंबी उम्र दे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।